भाई जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे होंगे, मेरे पास में जो भाई मेरे को यहां पर लिमिट मिली हुई है भाई, मेरे पास में यहां पर 3 लाख रुपए की लिमिट मिल चुकी है। जैसा कि दोस्तों यहां पर आप सभी देख पा रहे होंगे, माई क्रेडिट लाइन ऊपर की साइड में आप यहां पर देख पा रहे होंगे, जो भाई ये अमाउंट मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था, दो फिर मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था, यानी कि 2 बार में मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था। यहां पर दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, अकाउंट ट्रांसफर यहां पर आपके सामने शो हो रहा है, साफ साफ आपके सामने यहां पर शो हो चुका है। सुबह के टाइम में दोस्तों यहां पर मेरा जो भी अमाउंट था 1,88,000 रुपए का दोस्तों मेरे पास में मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका था। भाई जो लोन एप्लीकेशन यहां पर होने वाली है इंस्टेंट दोस्तों आपको यहां पर लिमिट प्रोवाइड करवा रही है। भाई मेरे को यहां पर 3 लाख रुपए की लिमिट मिल चुकी है, जैसा कि यहां पर आप सभी देख पा रहे होंगे, और भाई 1,88,000 रुपए की दोस्तों मैंने मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर लिया है। यहां पर दोस्तों आप सभी के सामने यहाँ पर लाइव प्रूफ मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ। भाई ये जो लोन एप्लीकेशन यहाँ पर होने वाली है आपको दोस्तों इंस्टेंट आपको लोन प्रोवाइड करवा रही है, वो भी दोस्तों यहाँ पर पर्सनल लोन। भाई न्यू एप्लीकेशन यहाँ पर होने वाली है। भाई इस एप्लीकेशन के बारे में अभी किसी भी यूट्यूबर ने अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की होगी। सबसे पहले दोस्तों इस एप्लीकेशन के बारे में ये वीडियो हमारे चैनल पर होने वाली है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, भाई मेरे को यहाँ पर लिमिट मिल चुकी है, 1,88,000 रुपए की लिमिट मेरे को यहाँ पर मिल चुकी है, मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी हो चुकी है। आपके पास में दोस्तों सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, विदाउट इनकम प्रूफ, विदाउट सैलरी स्लिप आपको दोस्तों यहां से लिमिट मिलने वाली है। आपको दोस्तों पूरा लाइव प्रूफ मैं करके दिखाने वाला हूं, लाइव प्रूफ दोस्तों यहां पर अप्लाई करके दिखाने वाला हूं, जो जो प्रोसेस होता है दोस्तों आपको फॉलो कर लेना है। यहां पर दोस्तों जैसे जैसे मैं स्टेप आपको बताता हूँ सेम टू सेम स्टेप आपको यहाँ पर फॉलो करने हैं। RBI और NBFC रजिस्टर्ड यहाँ पर एप्लीकेशन होने वाली है, 20 लाख से प्लस दोस्तों इसके यहाँ पर डाउनलोड होने वाली हैं। बट दोस्तों इसमें क्या है कि ये फ्यूचर जो यहाँ पर पर्सनल लोन का दिया है इस लोन एप्लीकेशन से अभी के अभी टाइम में यहाँ पर दिया है, यानी कि दोस्तों न्यू फ्यूचर इन्होंने अपनी एप्लीकेशन में लॉन्च किया है। भाई एप्लीकेशन बहुत ही शानदार होने वाली है, एक बार दोस्तों यहाँ पर आप ट्राई करके जरूर देख लीजिए, हो सकता है दोस्तों आपको इस लोन एप्लीकेशन से आपको लोन मिल जाए। यहाँ पर दोस्तों पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो भाई वीडियो का एंड तक जरूर देखना, वीडियो चल लाइक कर देना। अगर भाई अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों ऐसा कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिलता रहता है। विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन को डायरेक्टली ओपन करके आपको दिखा दिया है। यहाँ पर दोस्तों मैंने इसका अबाउट सेक्शन इसलिए चेक नहीं करवाया, हो सकता है कि यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाए, तो भाई मैंने यहाँ पर डायरेक्टली आपको यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन करके आपको दिखा दी है। जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे आपके पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है इंस्टेंट के इंस्टेंट आपको यहाँ पर 3 लाख रुपए की आपको लिमिट दी जाती है, इंस्टेंट आपको अप्लाई करना है, इंस्टेंट आपको यहाँ पर मिल जाती है। नेक्स्ट पर दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास में ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको आई एग्री पर क्लिक करना है, जैसे भाई आप आई एग्री पर क्लिक कर देते हो आपको दोस्तों यहाँ पर आपके पास में ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे जो मेन पॉइंट होने वाला है इस लोन एप्लीकेशन का, यहाँ पर दोस्तों नीचे की साइड में आप देख पा रहे हो डू यू हैव एनी रेफर, क्या भाई आप यहाँ पर कोई रेफर कोड से यहाँ पर आए हो इस लोन एप्लीकेशन में, तो भाई आपको यस करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा वीडियो के यहाँ पर साइड में आपको दिख भी रहा होगा रेफर कोड आपके पास में यहाँ पर शो हो रहा होगा, वो दोस्तों यहाँ पर रेफर कोड आपको यहाँ पर फिल करना है, या फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से दोस्तों आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। यहाँ पर दोस्तों जैसे आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई करोगे तो भाई आपको नीचे की साइड में आप कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है, जैसे ही फिल करोगे दोस्तों आपके पास में ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या है कि ये जो लोन एप्लीकेशन यहाँ पर होने वाली है, ये लोन एप्लीकेशन पहले क्या करती थी, ये एप्लीकेशन यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट ओपन करने का आपको यहाँ पर फीचर्स देती थी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है योर फर्स्ट डिजिटल बैंक अकाउंट, अगर भाई आप बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो भाई वो भी दोस्तों यहाँ पर 0 बैलेंस आप खुलवा सकते हो। यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्रेडिट लाइन की, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पर्सनल लोन की, तो भाई इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे दोस्तों आपके पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, इंस्टेंट दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पर जो दोस्तों यहाँ पर रिपेमेंट करने का यहाँ पर आपका जो मेथड है वो भी दोस्तों यहाँ पर सिंपल रहने वाला है, कोई भी दोस्तों एक्स्ट्रा यहाँ पर चार्ज वगैरह नहीं लगने वाला है। 3 स्टेप में दोस्तों आप इसकी लिमिट को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। पहले स्टेप में दोस्तों आपको यहाँ पर KYC कंप्लीट करवानी पड़ेगी, दूसरे स्टेप में दोस्तों आपको लिमिट मिल जाती है, तीसरे स्टेप में दोस्तों आपकी जो भी क्रेडिट लाइन आपको दी जाती है वह एक्टिवेट हो जाती है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के बीच में दोस्तों यहाँ पर आपको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, यहाँ पर दोस्तों साफ साफ आपके सामने यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है।
यहाँ पर दोस्तों आपको पैन कार्ड की आवश्यकता है और भाई आधार कार्ड की आवश्यकता है। यहाँ पर दोस्तों कंटिन्यू पर दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड का नंबर फिल कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर कर दिया है फिल। जैसे ही फिल करोगे दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आपके पास में ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर जो भी आपका आधार कार्ड होगा दोस्तों यहाँ पर आपको फिल करना है आधार कार्ड। जैसे ही आप फिल करोगे आई एग्री पर क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, जो भी आपके आधार कार्ड में नंबर रजिस्टर्ड होगा उसके ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी दोस्तों यहाँ पर आपको वेरीफाई करवा देना है। जैसे कि दोस्तों मैंने अपने यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल दिया है, यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे। जैसे ही डालते हो दोस्तों आपके पास में ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर नेम आ जाएगा, जो भी आपका नेम होगा वो आ जाएगा। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर एड्रेस वगैरह आ जाएगा। डालने के बाद में दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास में ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको पर्सनल डिटेल डालनी है आपकी, यहाँ पर दोस्तों प्रोफेशनल डिटेल डालनी है। दो स्टेप आपको सिर्फ कंप्लीट करने हैं, जैसे कि मैं अभी जल्दी जल्दी से आपको यहाँ पर कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी माता का नाम डालना है, जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपना फादर के नेम डालना है, यहाँ पर दोस्तों आप फिल कर देंगे। मैं जल्दी जल्दी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, जो आप यहाँ पर करते हैं वो दोस्तों यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में जैसे कि मैं यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय हूँ तो भाई मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद में दोस्तों आपकी यहाँ पर कितनी इनकम होने वाली है वो दोस्तों यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। जैसे ही फिल करोगे दोस्तों आपके पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर दोनों की दोनों इन्फॉर्मेशन इसकी कंप्लीट कर दी है। ये दोस्तों आपको ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, अगर भाई आपको करना है तो कर दीजिए, अदरवाइज कोई भी आवश्यकता नहीं है। सबमिट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास में ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन योर डिटेल वेरीफाई फंड योर अकाउंट गेट स्टार्टेड विद योर डिजिटल एक्सपीरियंस। जो भी आपका फंड है वो दोस्तों यहाँ पर आपके जो भी आपका फंड है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए आपको यहाँ पर कुछ वेरिफिकेशन आपको करवाने पड़ेंगे, जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। आपकी जो प्रोफाइल है वो तो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर दोस्तों जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा वो दोस्तों यहाँ पर आपका क्लिक यहाँ पर आपका चेक किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आपके पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको केवाईसी करवानी पड़ेगी, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं। केवाईसी दोस्तों आपकी यहाँ पर वीडियो केवाईसी होने वाली है, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही अगर आप भाई आप केवाईसी करवाना चाहते हो आपके पास में अवेलेबल है, पैन कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा। आपके पास में दोस्तों यहाँ पर पैन कार्ड होना चाहिए, एक पैन होना चाहिए, आपके सिग्नेचर होंगे और भाई लाइव प्रूफ आपकी यहाँ पर वीडियो केवाईसी की जाएगी। यहाँ पर दोस्तों अलाउ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों साफ साफ ये बोल रहा है, आर यू रेडी फॉर द वीडियो कॉल। यहाँ पर दोस्तों साफ साफ बोल रहा है कि भाई आप रेडी हो वीडियो कॉल होने के लिए, तो भाई यहाँ पर आपकी जो केवाईसी होगी वो दोस्तों यहाँ पर वीडियो केवाईसी के माध्यम से आपकी यहाँ पर केवाईसी की जाएगी, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर दोस्तों आपके पास में यहाँ पर ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास में दोस्तों एक यहाँ पर ब्लैक पेपर होना चाहिए यानी कि प्लान पेपर होना चाहिए, और भाई जो भी आपके यहाँ पर पीछे का जो बैकग्राउंड है वो दोस्तों यहाँ पर प्लान होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों आपके पास में एक यहाँ पर पैन होना चाहिए, या तो ब्लैक हो सकता है या फिर नीला हो सकता है। ये सभी चीज़ें दोस्तों आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैं अभी यहाँ पर अपनी जो वीडियो केवाईसी वो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। वैसे दोस्तों यहाँ पर अभी ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है वहाँ पर दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग काम नहीं करेगी, तो भाई मैं अभी आपको यहाँ पर कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। तो भाई मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर अपनी वीडियो केवाईसी मैंने कंप्लीट करवा ली है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों मेरे पास में आ चुका है, लिखा हुआ आ चुका है, एजेंट इंटरेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, केवाईसी डिटेल मेरी यहाँ पर वेरिफिकेशन हो चुकी है। जो भाई मेरे यहाँ पर नीचे की साइड में आप सभी देख पा रहे हैं, जो भी आपकी लिमिट है वो दोस्तों यहाँ पर जो भी आपकी लिमिट होगी वो भाई 24 घंटे के अंदर आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे। जितनी भाई आपको लिमिट मिलेगी, जैसा कि मेरे केस में अभी यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसकी केवाईसी कंप्लीट करवा ली है, और भाई जैसे ही मैं इसके यहाँ पर मेरे को यहाँ पर लिमिट मिलती है दोस्तों मैं आपको वीडियो बना के जरूर बताऊंगा कि मेरे को यहाँ पर कितनी लिमिट मिल जाती है। भाई ये लोन एप्लीकेशन यहाँ पर होने वाली है, इस लोन एप्लीकेशन की लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जाके दोस्तों एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने से पहले दोस्तों आपको वहाँ पर रेफर कोड आपके पास में यहाँ पर शो हो जाएगा, रेफर कोड दोस्तों आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा और भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। इस लोन एप्लीकेशन में दोस्तों आप यहाँ पर एक बार ट्रैक करके जोर देख लीजिए, आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन यहाँ पर होने वाली है, बहुत ही ट्रस्टेड लोन एप्लीकेशन यहाँ पर होने वाली है। आपको दोस्तों 3 लाख रुपए तक आपको यहाँ पर लोन प्रोवाइड करवा रही है, तो भाई एक बार यहाँ पर ट्रैक करके जोर देख लीजिए, और भाई विदाउट आपका इनकम प्रूफ आपको यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड करवाई जा रही है।
तो भाई ये एप्लीकेशन थी, मैंने आपको यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दे दी है। अगर भाई इस लोन एप्लीकेशन से भी आपको लोन नहीं मिलता है तो भाई काफ़ी सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जाके दोस्तों किसी न किसी लोन एप्लीकेशन में आप एक बार ट्राई करके जरूर देख लीजिए, हो सकता है कि किसी न किसी लोन एप्लीकेशन में आपको लोन मिल जाए। आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लाइक कीजिए। अगर भाई अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिए।